हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग देखेंगे, टेक्निकली बिल्कुल एक एक लेवल्स को देखेंगे, जो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर हम लोगों का क्या यहाँ पे व्यू होना चाहिए, या फिर हम लोगों को किस लेवल पर फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल शेयर के ऊपर। अगर हम लोग बात करेंगे तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल शेयर आज के सेशन में 1.5% ऊपर क्लोज हुआ है। 102 रुपीज पे स्टॉक जो है क्लोज हुआ है 1.45 रुपीज के गेन के साथ। प्रीवियस क्लोज अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 100.55 रुपीज का था, और आज का क्लोजिंग जो है वो आपको 102 रुपीज का है। अगर इस पूरे वीक का कारोबार हम लोग देखेंगे तो इस पूरे वीक में स्टॉक ने 4.25% लूज किया है, 4.55 रुपीज नीचे क्लोज हुआ है 102 के लेवल पे। प्रीवियस वीक के अगर हम लोग क्लोजिंग की बात करेंगे तो 106.55 रुपीज पे आपको इस वीक में ओपन हुआ था फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन को, और उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक में हम लोगों को एक सेल ऑफ ही देखने को मिला। तो चलिए अब देखते हैं जो इस स्टॉक के लिए कौन सा लेवल इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग अगर वीकली चार्ट के ऊपर बात करेंगे, डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे, तो स्टॉक काफ़ी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था, स्टॉक में नीचे साइड जो आपको रेंज है वो 96.50 रुपीज का है, और ऊपर की साइड अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ऊपर है 109 रुपीज का। इस रेंज में स्टॉक 12th ऑफ अगस्त से ही यहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा है। 12th ऑफ अगस्त को अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट किया था, उसके बाद वापस से नीचे क्लोज हुआ था, अगेन गैप अप ओपन हुआ एक बार के लिए, जरूर यहाँ पे वापस से इस रेंज के नीचे जाने की कोशिश किया, बट अगेन आपको इसी रेंज में ऑलमोस्ट 2 मंथ से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या व्यू होना चाहिए, स्टॉक नो डाउट लोअर लेवल से काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनाना है तो फिर आपको वेट करना चाहिए 109 रुपीज़ के लेवल के ऊपर। एक डेली कैंडल क्लोज होने दीजिए, तभी आपको फ्रेश पोजीशन बनाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है आप कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनाना है तो 109 के लेवल के ऊपर क्लोज होने दीजिए एक डेली कैंडल, उसके बाद ही आपको फ्रेश पोजीशन बनाना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे भी हम लोगों को स्टॉक एक रेंज में ही दिख रहा है। यहाँ पे भी सेम रेंज अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे की साइड जो हम लोगों का रेंज है वो 96 रुपीज का ही है, और ऊपर की साइड सेम 109 का ही, जैसा कि रेंज हम लोगों ने डेली चार्ट में देखा, बिल्कुल सेम रेंज में स्टॉक जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ऊपर जाना है तो फिर आपको 109 के लेवल को जरूर क्रॉस करेगा, और उस लेवल को क्रॉस करने के बाद ही इस स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट होगा। तो आप लोग वेट कीजिए अगर फ्रेश पोजिशन बनाना है, और अगर आप ऑलरेडी आपके पास है तो फिर आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहिए। आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें।